कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष बनी सोनिया, राहुल गांधी को विपक्ष नेता बनाए जाने की हुई मांग। सेंट्रल हॉल में आयोजित पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन भी किया है। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक CWC बैठक में यह भी चर्चा हुई कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। इस संबंध में कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत बड़े नेताओं के जेल में होने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की वजह से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में हमने आपके साथ गठबंधन नहीं किया, इसकी वजह से पार्टी को फायदा हुआ है। दिल्ली के अशोका होटल में CWC की मीटिंग करीब 3 घंटे चली, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए पार्टी सांसदों ने प्रस्ताव को पारित भी किया। इसके बाद राहुल गांधी ने सोचने के लिए वक्त मांगा। बता दें कि लोकसभा में पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीट और 2019 में 52 सीट मिली थी। गौरतलब है कि भाजपा की बाद सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिली थी, फिर भी कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिली।